गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है दोपहर से, दोपहर नहीं मतलब शाम बजे 4 बज चुका है, क्योंकि हमको जाना है थोड़ा घूमने भाई के संग। तो आज ग्राउंड वराउंड जाएंगे मस्त, वहाँ पर मतलब बच्चे लोग फुटबॉल खेलते हैं तो वहाँ देखेंगे, इधर से उधर भटकेंगे, बहुत जगह जाएंगे। तो गाइस जल्दी से चलते हैं, मेरा भाई गली के बाहर खड़ा भी है, जल्दी चलते हैं। तभी विनायक आ रहा है, विनायक गया अपना फोन लेने, फिर हम लोग चलते विनायक का बाइक में, कहीं बोला विनायक ही बोला अपना बाइक निकालेगा, विनायक भी आ चुका, हम लोग चलते हैं। ये चेक करो यहाँ पर कितना सुंदर व्यू है, वहाँ पर डैम साफ साफ डैम दिख रहा है। अब मेरा कैमरा क्वालिटी इतना खास नहीं, इसलिए उतना खास नहीं दिख रहा है, पर जितना भी दिखा पाएंगे सब अच्छा दिखा पाएंगे, मतलब कि अच्छा व्यू दिखा पाएंगे आप लोगों को। देखो दोस्तों अभी हमने दूसरा प्लेस में आया, यहाँ से फुल डैम पूरा अच्छा से दिख रहा है, ये देखो, और यहाँ पर कितना मस्त दिख रहा है, पूरा पत्थर ही पत्थर दोस्तों, क्या बताए ना, इतना सुंदर व्यू है ना दोस्तों, क्या बताया, मतलब कि यहाँ पर आके मन बहल गया, इतना सुंदर व्यू। यहाँ मेरा भाई भी स्नैप डाल रहा है और यहाँ विनायक भी है, तो गाइस बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू। आप लोग बस ऐसे ही ब्लॉग को एंजॉय करना, हम आप लोग को एंजॉय कराते रहेंगे। मेरा भाई वहाँ पर है, देखो केशव वहाँ पर खड़ा, और यहाँ व्यू चेक करो दोस्तों, इतना सुंदर, माय गॉड इतना सुंदर व्यू। और अभी हम यहाँ पत्थर में चल रहे हैं, इतना मतलब कि संभाल संभाल के चलना पड़ रहा है कि क्या बताए। मतलब नया नया जगह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब कि इधर उधर देख रहे कि कहाँ पर जगह है अच्छा बैठ उठ पाए, सुबह आएंगे तो मतलब कि बैठने उठने के लिए सही है, पर बहुत जगह अच्छा जगह है। बस आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है, इससे आप लोग एक कमेंट करोगे ना तो हम मोटिवेट होंगे। पहले जब इससे पहले हम आए थे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था, है कि नहीं छोड़ो, बहुत मजा है। मतलब अगला बार अलग ही सीन था, मतलब उसका मेरे पास वीडियो अगर होगा गैलरी में तो गाइस हम मतलब कि स्क्रीन में लगा देंगे, अगर नहीं होगा तो माफ करना गाइस, पर अगला बार आएंगे तो आप लोग जरूर पानी दिखाएंगे। अभी तो गेट खुला होने, अभी एक भी गेट नहीं खुला होने, तो जब अगला बार आया तो सारा गेट खुला होता दोस्तों, इतना सुंदर व्यू था ना। अगला बार नहीं खुला होता, मतलब 5-6 को गेट खुला हुआ था, सारा गेट नहीं खुलता था भाई, 4-5-14 को गेट है भाई, 14 गेट तो 4 को खुला होता था, तब भी गई जब 4 को खुला तो यहाँ तक का पानी आ गया, यहाँ तक का हम लोग वहाँ से फोटो खींचे, तो वहाँ से। तो फ्रेंड्स अभी कुरवेज खा रहा है, इतना मस्त नजारा देखते देखते बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं ये पंचीत का ब्यूटी है, आप घुमाइए देखिए गाइस, ये चेक करो दोस्तों कितना सुंदर व्यू। अभी हो चुका है रात, रात तो नहीं हो, मतलब शाम हो चुका है, पूरा अंधेरा हो चुका है, पूरा अंधेरा हो चुका है, और पंचीत में सारी लाइट जल चुकी है, सारा लाइट जल चुका है, इतना सुंदर लग रहा है वहाँ पर, पंचीत पहाड़ भी है, अच्छा दिख नहीं रहा मेरा कैमरा में, पर है आपको बताऊंगा गाइस, यहाँ पे 16 वो डैम है गाइस, 16 डैम नहीं है गेट है, गेट गाइस 14 वो डैम है, 14 गो, और यहाँ पे 3-4 जब खुलता तो यहाँ तक पानी आ जाएगा, ये ऊपर तक का हम लोग आगे देखे, यहाँ पे भी ईटा है गाइस, देख सकते हैं आप, यहाँ तक ईटा है, आपको अंधेरा में दिख नहीं रहा पर है,
और यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है गाइस। रात का समय में तो इतना चमक रहा है, रात का समय में से हम पहली बार आ रहे हैं पर है बहुत सुंदर। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं, बहुत देर हो चुका है, लगभग हम लोग आए थे शाम को जब निकले थे और अभी हो चुका रात है और हम लोग चलते घर। तो यहाँ पर रात के टाइम में बहुत शेर सियार वार सब निकलते रहता है, हाथी उथे, इसलिए हम लोग बहुत संभल के जाना पड़ेगा। और रास्ता भी आप लोग देख सकते कितना डरावना रास्ता है दोस्तों।